वाराणसी के स्थापना दिवस समारोह में समारोह की अध्यक्षता कर रहे उदय प्रताप शिक्षा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री बीपी सिंह जी, सचिव उदय प्रताप शिक्षा समिति न्यायमूर्ति एसके सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, यहां के स्थानीय विधायक और प्रदेश के स्टाम्प और न्यायालय पंजीयन मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, प्रदेश के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिस्टर दयालु जी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, चौधेश सिंह जी, सुशील सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, वाराणसी के महापौर श्री तिवारी जी, उदय प्रताप कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, प्रधानाचार्य उदय प्रताप इंटर कॉलेज डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह जी, आज के इस स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले उदय प्रताप शिक्षा समिति और उससे संबद्ध सभी संस्थाओं को, उदय प्रताप शिक्षा समिति के 115 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हृदय से बधाई देता हूं और आदर्शी उदय प्रताप सिंह जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। यूपी कॉलेज का नाम शिक्षा जगत का एक चमकता हुआ सितारा है और गत एक सदी में शिक्षा के क्षेत्र में, जीवन के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में उदय प्रताप कॉलेज ने जो कार्य किए, मुझे लगता है कि केवल वाराणसी ही नहीं और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरा देश इसके प्रति विनम्र भाव के साथ अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में याद रखना होगा, 1909 में वाराणसी में एक कॉलेज की स्थापना हो, एक शिक्षण संस्थान स्थापित हो, ये कल्पना अपने आप में उस समय के उन महापुरुषों की और खास तौर पर राजर्षि उदय प्रताप सिंह जूदेव जी के विराट व्यक्तित्व को ही प्रदर्शित करता है।